गुड मॉर्निंग गेट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। कैसे हो सब? अच्छे? डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? यस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, ओके, एंड राइट द फर्स्ट लेटर बोथ इन बिग एंड स्मॉल फॉर्म्स। ओके, आपको इधर पिक्चर मिल जाएगा, आपको क्या करना है, पिक्चर को आइडेंटिफाई करना, ओके, पिक्चर को पहचानना, फिर हाँ वो पिक्चर का नाम का पहला अक्षर बड़े अक्षर में भी लिखना, छोटे अक्षर में भी लिखना, ओके। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर बोथ फॉर्म्स, ओके, बिग एंड स्मॉल फॉर्म्स, ओके, लेटर बोथ इन बिग एंड स्मॉल फॉर्म्स। आपको ये पिक्चर को पहचानना, पहचान के पिक्चर का नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल फॉर्म में भी लिखना और स्मॉल फॉर्म में भी लिखना है। ओके, समझ में आया है क्या? यस। एंड सी द फर्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये दिस इज ए काइट। ओके, दिस इज ए काइट। डू यू नो द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड काइट? क्या काइट का स्पेलिंग याद है क्या आपको? टेल मी। के आई टी ई, काइट। ओके, K I T E, kite. Okay. अब देखो kite का first letter, पहला अक्षर कौन सा है? K है, okay. K है, K को capital में भी लिखना, small form में भी लिखना है. Okay. See, capital form में K कैसे लिखेंगे? Standing line, first line से third line तक standing line, then slanting line. Okay, again one more slanting line. Okay, this is capital letter K. Okay, और इधर हमें क्या लिखना है? हाँ, small letter K लिखना है. Okay, small letter K कैसे लिखेंगे? First line से third line तक standing line करना. देखो, फिर ये दो slanting lines का हम खींचेंगे इधर. Okay. सेकेंड एंड थर्ड लाइन से सी लाइक दिस। ओके, समझ में आया है क्या? के, के फॉर काइट। ओके, नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट पिक्चर। ये देखो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज ए ट्री। ओके, दिस इज ए ट्री। ओके, ट्री, स्पेल द वर्ड ट्री। टी आर डबल ई ट्री। ओके, T R double E tree. Okay, tree का spelling क्या है? T R double E tree. Okay, see the first letter. T, first letter कौन सा है? T है. Okay, T, capital letter T. देखो, sleeping line and standing line. See, this is the capital letter T. और इधर हमें स्मॉल लेटर टी लिखना है। इधर हमें क्या लिखना है? स्मॉल लेटर टी लिखना है। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करना थर्ड लाइन तक। ओके, स्टैंडिंग लाइन कर्व। ओके, हियर स्लीपिंग लाइन। ओके, दिस इज स्मॉल लेटर टी। ओके, विच लेटर इज दिस? स्मॉल लेटर टी। दिस इज द कैपिटल लेटर टी। ओके, समझ में आया है क्या? यस। देन नेक्स्ट, सी द पिक्चर। दिस इज ए हैट। क्या है? हैट। ओके, हैट का स्पेलिंग क्या है? एच ए टी, हैट। स्पेल द वर्ड हैट। एच ए टी, हैट। सी द फर्स्ट लेटर, कौन सा लेटर है फर्स्ट? एच। ओके, एच कैसे लिखना है? कैपिटल एच। स्टैंडिंग लाइन अगेन, one more standing line and sleeping line. Okay, this is capital letter H. Okay, ये कौन सा letter है? ये H है. Okay, ये capital form में लिखा है. और इधर हमें क्या लिखना है? इसका small form लिखना है. Okay, इसका हाँ छोटे अक्षर में भी लिखना है. Okay, ये बड़े अक्षर में लिखा है, इधर क्या करना है? H को छोटे अक्षर में भी लिखना है. ओके, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बनाना, फिर क्या करना है? इसी लाइन से ऊपर, देखो इसी लाइन से ऊपर आके इधर कर्व सी। ओके, दिस इज
स्मॉल लेटर एच, ओके, कैपिटल लेटर एच लिख दिया और स्मॉल लेटर, ओके, दोनों लेटर लिख दिया, कैपिटल एच एंड स्मॉल लेटर एच, ओके. देन सी द नेक्स्ट पिक्चर, सी व्हाट इज दिस, दिस इज ए कैट, दिस इज ए कैट, स्पेल द वर्ड कैट, सी ए टी कैट, ओके, कैट का स्पेलिंग क्या है, सी ए टी कैट, सी द फर्स्ट लेटर सी, ओके, फर्स्ट लेटर कौन सा है, सी है, ओके, सी सी फॉर कैट, देखो सी कैसे लिखेंगे, हाँ एक बड़ा कर्व बनाना है फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन तक, ओके, दिस इज कैपिटल लेटर सी, ओके, विच लेटर इज दिस, कैपिटल लेटर सी, अभी इधर हमें क्या लिखना, स्मॉल लेटर सी लिखना है, स्मॉल लेटर सी कहाँ लिखेंगे, इन दोनों लाइन में, ओके, देखो ऐसे इन दोनों लाइन में लिखेंगे हम स्मॉल लेटर सी, ओके, दिस इज कैपिटल लेटर सी एंड दिस वन इज स्मॉल लेटर सी, ओके, समझ में आया है क्या, यस. देन सी द नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस, दिस इज ए फ्लावर, हाँ ये एक फूल है, ये कौन सा फूल है, कौन सा फ्लावर है, दिस इज ए लोटस, दिस इज ए लोटस, स्पेल द वर्ड लोटस, एल ओ टी यू एस, लोटस, ओके, स्पेल द वर्ड लोटस, एल ओ टी यू एस, लोटस, ओके, फर्स्ट लेटर एल है, एल कैसे लिखना है, फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बनाना, इसके बाद थर्ड लाइन में स्लीपिंग लाइन, ओके, देखो दिस इज कैपिटल लेटर एल, ओके, ये कौन सा लेटर है, ये कैपिटल लेटर एल है, ओके, देन हाँ स्मॉल लेटर एल लिखना है, स्मॉल लेटर एल कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाना है, ओके, दिस इज स्मॉल लेटर एल, ओके, यस. देन सी द नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस, दिस इज ए मैंगो, स्पेल द वर्ड मैंगो, एम ए एन जी ओ, ओके, वंस अगेन एम ए एन जी ओ, मैंगो, ओके, सी द फर्स्ट लेटर M, ओके, कैपिटल लेटर M लिखना है, M कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, ओके, दिस इज कैपिटल लेटर M. हियर वी हैव टू राइट द स्मॉल लेटर M. इधर हमें क्या लिखना है, स्मॉल लेटर एम लिखना है, कैसे लिखते हैं स्मॉल लेटर एम, स्टैंडिंग लाइन, ओके, स्टैंडिंग लाइन, फिर इसी लाइन से ऊपर आना, कर्व बनाना, ओके, वंस अगेन सी दिस इज स्मॉल लेटर एम, ओके, दिस इज कैपिटल लेटर एम एंड दिस इज स्मॉल लेटर एम, ओके स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस, This is an, this is an apple. क्या है ये? Apple. Do you like apple? Yes. Okay. Yes. This is apple. See the first letter. A. First letter कौन सा है? ये है. Okay. Spell the word apple. A. Double P L E. Apple. Okay. A. Double P L E. Apple. Okay. See the first letter. A, capital A, okay, slanting line, again, slanting line and sleeping line, okay, this is capital letter A, ये कौन सा letter है ये, capital letter A है, अब बोलो बच्चों इधर हमें क्या लिखना, small letter A लिखना है, कैसे लिखते हैं small letter A, हाँ छोटा सा कर्व बनाना, फिर इसको ज्वाइन करके नीचे सी, दिस इज स्मॉल लेटर ए, ओके, समझ में आया है क्या, यस, सी द नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस, दिस इज ए गन, दिस इज ए
gun. Spell the word gun. This is a gun. Okay. Spell the word gun. G U N gun. Okay. Spell the word gun. G U N gun. Okay. What is this? This is a gun. Okay. Spell the word gun. G U N gun. Okay. हाँ, फर्स्ट लेटर कौन सा है? जी है, कैपिटल जी. देखो कैपिटल जी कैसे लिखना, कर्व बनाना, देन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड अगेन स्टैंडिंग लाइन. दिस इज कैपिटल लेटर जी. द नेक्स्ट इधर हमें क्या लिखना है? स्मॉल लेटर जी लिखना है. स्मॉल लेटर जी कैसे लिखते हैं? कर्व बनाना, ऊपर जाना, फिर लास्ट लाइन तक आके कर्व बनाना है. ओके, दिस इज स्मॉल लेटर जी. ओके, समझ में आया है क्या सबको? दिस इज कैपिटल लेटर जी एंड दिस वन इज स्मॉल लेटर जी. ओके, सी के टी एच सी एल एम ए जी. ओके, के फॉर काइट, T for tree, H for hat, C for cat, L for lotus, M for mango, A for apple, G for grapes. Okay students, ये आपको फोर लाइन बुक में करना है. ओके, ये आपका ऑल इन वन बुक में भी है. ओके, ये आपको अच्छे से याद करना, पिक्चर का पहचानना, पिक्चर की स्पेलिंग याद करना. ओके, दिस इज फॉर योर टुडेज होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स.